हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नया टॉपिक के साथ। इन्होंने भी मेरा पुराना वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब के लिए सबको थैंक यू। और जिन्होंने नहीं देखा, मैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अवेयरनेस के लिए, अपनी जानकारी के लिए एक बार मेरे चैनल पे जरूर जाएं, उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख के आपको थोड़ा अपने आप को जागरूक कर सकें और फायदा उठा सकें। अपने पुराने जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं सबका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ताकि आप उसको देखें और उससे फायदा करें, ठीक है? ताकि समाज का, आप अगर जागरूक होगे तो समाज का जागरूकता फैलेगा, ठीक है? मेरा उद्देश्य यही है इस चैनल को बनाने के लिए, ताकि आप सब लोग थोड़ा जागरूक हों और अपने समाज को हम लोग एक नए ऊंचाई तक लेके जाएं। चलिए, समय न गंवाते हुए मैं अपने वीडियो के टॉपिक पे आता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियर मिस। जनरली सबको पता होता है कि नियर मिस क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको लोग गलत तरीके से उसको प्रिडिक्ट करते हैं। लोग बोलते हैं कि सर बाल बाल बचना, ठीक है, बाल बाल बचना नियर मिस होता है। नहीं, नियर मिस क्या होता है कि घटना हुआ, कोई भी इवेंट जो होना था वो हुआ, लेकिन किसी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ। चाहे आदमी का हो, चाहे मशीन का हो, चाहे मटेरियल का हो, ठीक है, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, उसको बोला जाता है नियर मिस। इवेंट जो होना था वो हुआ, जो होना था हो गया, लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, किसी किसी खड्डे में कोई आदमी गिरा, ठीक है, कोई आदमी खड्डे में गिरा, लेकिन ना आदमी को कोई चोट लगा, ना कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, दैट इज कॉल्ड नियर मिस, उसको हम नियर मिस बोलते हैं। जैसे कि हम जा रहे हैं और ईंट हमारे सामने गिर गया, तो जो घटना होना था वो तो घट गया, ऐसा तो नहीं है कि बाल बाल बचा। वो घटना जो होना था वो घटना तो हो गया, घटना हो गया, जो ईंट गिरना था वो गिर गया, लेकिन कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई और किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ, उसको बोला जाता है नियर मिस, ठीक है। नियर मिस हर एक नियर मिस रिपोर्ट करना है, क्योंकि जो ट्रेंगल बनाया जाता है कि आप 600 नियर मिस, अगर जैसे कि पुराने वीडियो में भी मैंने बताया था कि 600 नियर मिस अगर आप रिपोर्ट करते हैं और उसका करेक्टिव एंड प्रिवेंसिंग एक्शन ले लेते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंसिंग एक्शन ले लेते हैं, तो क्या होगा, एक फैटलिटी या एक बड़ा एक्सीडेंट हम बचा सकते हैं। नियर मिस क्या होता है? नियर मिस एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर दैट मीन्स पॉजिटिव साइन की तरफ बताता है कि घटना हुआ, किसी नुकसान नहीं हुआ, और उसको हम किसी तरह का आने वाले जो बड़े घटने को हम उसका एक्शन ले लेते हैं तो बड़े घटने को रोक सकते हैं, बड़े घटने को रोक सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हर एक नियर मिस हमको रिपोर्ट करना चाहिए। इंडिकेटर दो होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग मतलब हमको पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट करता है, पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट करता है कि हाँ ये हमारा पॉजिटिविटी है, और लैगिंग जो हमें निगेटिविटी की तरफ इंडिकेट करता है, निगेटिविटी की तरफ इंडिकेट करता है, उसे हम लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। इसीलिए हमें हर इसमें, जैसे कि हम इसमें लिखे हैं बेनिफिट्स, तो क्या है कि किसी हर एक नियर मिस अगर हम रिपोर्ट करते हैं और उसका हम जो एक्शन लेना है अगर लेते हैं, तो क्या करेंगे, हम एक बड़ा एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं, बड़े एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। नियर मिस को हम क्लोज कॉल भी बोलते हैं। नियर मिस को जो नया आजकल टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसे हम क्लोज कॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद आपको बताते हैं कि एक्सीडेंट, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण क्या हैं। जैसे कि दो इसमें कारण बताए गए हैं, 98% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट, मतलब ह्यूमन मिस्टेक और अनसेफ कंडीशन, इसके वजह से होता है 98% एक्सीडेंट आपके अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के वजह से होता है, ठीक
ठीक है। और 2% जो एक्सीडेंट होता है वो होता है नेचुरल क्लाइमेटिस, जिसके हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारे हमारे लिए उसमें कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि आप सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, इस तरह का कोई भी नेचुरल क्लाइमिटीज है वो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन वो हमारा हाथ में है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उसको हम प्रॉपरली करें तो। जैसे कि कोई ह्यूमन एरर, कोई जानबूझ के या कुछ गलती कर रहा है, उसको पता है कि ये होना चाहिए लेकिन किसी ना किसी किसी के दबाव में या किसी कारणवश वो नहीं कर पाता है। फॉर एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं कि कोई इक्विपमेंट है, कोई इक्विपमेंट है, अगर हम उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करना है लेकिन हम उसको मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, जो जिस आदमी को मैकेनिक है वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो उसमें दो रीजन हो सकते हैं, आइदर उसको टाइम ना मिल रहा हो, मटेरियल ना मिल रहा हो, या किसी के ऊपर से दबाव हो, आइदर उसको उस चीज का नॉलेज ही ना हो, दो चीजें हो सकती हैं उस चीज में, ठीक है। अगर उस चीज को वो अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता है, मेंटेनेंस नहीं करता है, तो वो क्या हुआ, अनसेफ कंडीशन किसी और के लिए, जो ऑपरेटर है उसके लिए वो प्रोवाइड कर रहा है अनसेफ कंडीशन, क्योंकि मशीन तो ठीक है नहीं, तो हमारे लिए वो अनसेफ कंडीशन किसी और के लिए प्रोवाइड कर रहा है। और ऑपरेटर आया और वो चेक नहीं किया, जो हमारा डेली इंस्पेक्शन होता है, डेली चेक करना होता है, वो चेक नहीं किया, चेक नहीं करने पे क्या होगा, उसको वो चीज पता ही नहीं चलेगा, उसको पता चलेगा अरे चलो कल तो जो था वो ठीक ही है, आज भी ठीक ही होगा, वो चेक नहीं किया और वो काम चालू कर दिया। दैट मींस क्या हुआ कि जो मेंटेनेंस करने वाले थे उन्होंने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया, और जो ऑपरेटर था उसको चेक करना था और वो चेक नहीं किया, तो क्या अनसेफ कंडीशन तो इसने प्रोवाइड की, अनसेफ कंडीशन तो इसने प्रोवाइड की और अनसेफ कंड एक्ट इसने किया। जब ये दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे, जब एक एरिया एक दोनों मैच करेगा, ठीक है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये भी अपना प्रॉपर काम करे और ये भी प्रॉपर काम करे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो ऑपरेटर को पता रहता है, आदमी को पता रहता है, लेकिन वो इग्नोर करता है, चलो कोई नहीं होता है, इतना दिनों से काम करते आया हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्या होता है, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। अनसेफ एक्शन क्या होता है, यार 2 ही मिनट का तो काम है, कौन इतना तामझाम करे, कौन इतना ज्यादा टाइम लगाए, 2 मिनट के काम के लिए हम जाएं सारा मटेरियल अरेंजमेंट करें, 2 मिनट का काम तुरंत काम खत्म करके छोड़ देंगे, लेकिन उसी कंडीशन में उसी एक्शन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो हमें प्रॉपरली एक्शन करना है। जैसे कि हमें स्टोरेज करना है, कोई भी चीज स्टोरेज करना है तो वो क्या कंडीशन है, मान लीजिए कहीं हम सरफेस है वो प्रॉपर नहीं है, जो टूल्स फैकल्स है वो प्रॉपरली स्टोरेज नहीं रखा हुआ है प्रॉपर, तो क्या होगा, किसी ना किसी तरह का डैमेज होगा। वॉकवे है उस पर कोई सामान रखा हुआ है, तो जो चीज अगर हमारे लिए जिस कंडीशन क्या होता है, जिस एरिया में जिस जगह पे जिस टूल्स फैकल्स से जिस इक्विपमेंट से हमको काम करना है, दैट इज कॉल्ड कंडीशन, उसको बोला जाता है कंडीशन। जिस परिवेश में जिस इक्विपमेंट के साथ जिस टूल्स टैकल्स के साथ हमें काम करना है वो हो कंडीशन हो गया, और जो हम करते हैं या कोई ह्यूमन बींग कर रहा है वो होता है एक्ट। तो ये दोनों को प्रिवेंट किया जा सकता है, 98% जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर प्रॉपरली किया जाए तो, और ये 98% एक्सीडेंट इसी वजह से होता है। तो अगर हम इन दोनों पे कंट्रोल कर सकते हैं तो हम 98% एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेफ्टी को प्रिवेंट क्यों करना चाहिए, तो आपको ऑलरेडी पता है कि लीगल, इकोनॉमिकल एंड मोरल, ये तीनों को करने के लिए और किसी एक्सीडेंट को बचाने, किसी एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए हमें सेफ्टी का रूल्स फॉलो करना है।
सेफ्टी प्रॉफिट है या लॉस है, तो हमेशा सेफ्टी प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट इसलिए होता है ताकि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह से आपको वो बचाता है। डायरेक्ट कॉस्ट आपको एक दिखेगा, तो उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको 8 to 26% तक होता है एज पर आइसबर्ग थियरी। जो है आइसबर्ग थियरी में बताया गया है कि पानी में बर्फ का एक टुकड़ा अगर ऊपर दिखता है तो उसके 8 से 26 भाग तक नीचे होता है। उसी तरह डायरेक्ट कॉस्ट आपको एक दिखता है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको 8 से 26 तक जाता है। तो इसीलिए हमको डायरेक्ट कॉस्ट तो बहुत कम दिखता है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे मान लीजिए कि आपके वजह से कंपनी का प्रोडक्टिविटी रुकेगा, आप जो ट्रेंड पर्सनल थे उसके वजह से दूसरे आदमी को लेके आना पड़ेगा, तो उसको फिर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और आने जाने में प्रोडक्शन लॉस, चाहे उसका जितने भी तरह के लॉस होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट आते हैं। कंपनी का इमेज बर्बाद होता है, कंपनी का जो हम सप्लाई प्रॉपर टाइम पे दे सकते थे वो नहीं दे पाएंगे, तो बहुत सारे जो ये लॉसेज होते हैं, जो हिडन होते हैं, जो हमको दिखते नहीं है, वो हो इनडायरेक्ट लॉस है। ठीक है, तो सेफ्टी हमेशा प्रॉफिट होता है। इसमें एक क्या है कि जस्ट एक बता रहा है कि मैं 28 साल से काम कर रहा था, लेकिन एक चांस जो मिस किया और मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये आपका थोड़ा सा मैं ब्रीफ किया ताकि आप उस चीज को समझ पाए। ये सेफ्टी क्या है, सेफ्टी इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कॉमन सेंस है। आप कॉमन सेंस को इंप्लीमेंट करेंगे, आप जस्ट कॉमन सेंस को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं। सेफ्टी क्या है, जस्ट कॉमन सेंस है। किसी भी तरह के नुकसान से जो हमें बचाता है उसको हम सेफ्टी बोलते हैं, किसी भी तरह के नुकसान से, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, ठीक है, चाहे किसी भी तरह का। इसमें क्या है लिखा हुआ है, इट इज बेटर टू केयरफुल 100 times। मतलब एक कुछ घटना होने से अच्छा है कि हम 100 बार उसको सोचें और उसके लिए केयरफुल रहें। कोई एक दुर्घटना हो जाए तो कितना नुकसान होगा, कितने लोगों का लाइफ उसमें बर्बाद होगा, तो उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, 100 बार सोचना पड़े, 100 बार केयरफुल रहना पड़े, तो उसको हमें रहना चाहिए। कुछ हैजार्ड हैं, हैजार्ड जो मैंने अपने पहले अभी नहीं बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि क्या देखना है हमें, हैजार्ड खतरा जो पोटेंशियल हो, किसी तरह का पोटेंशियलिटी हो उसमें नुकसान पहुंचाने का, जैसे केमिकल हैजार्ड है, मैकेनिकल हैजार्ड है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है, बायोलॉजिकल हैजार्ड है, फिजिकल हैजार्ड है, अब एर्गोनॉमिक्स है। ठीक है, इन हैजार्डों को हमें फाइंड आउट करना है, उसमें पोटेंशियलिटी हो किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे हम हैजार्ड बोलते हैं। जैसे कि कोई भी चीज अपने आप में हैजार्ड नहीं होता, जैसे कि जस्ट एग्जांपल लेते हैं, नाइफ में क्या है, नाइफ में खुद अपने आप में एक हैजार्ड नहीं है, नाइफ का जो शार्पनेस है, नाइफ का जो धार है, जो चाकू का नोक है, वो हमारे लिए खतरा है। अगर हम चाकू को, उसका जो नोक, जो उसमें शार्पनेस है, उसको हम कवर कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, हैजार्ड को हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं, खत्म नहीं होता, कभी भी हैजार्ड खत्म नहीं होता। हर चीज, जैसे बोला जाता है, एवरी कॉइन हैव टू फेस, हर एक कॉइन का 2 फेस होता है, कुछ अच्छा रहता है तो कुछ उसमें नुकसान पहुंचाने की पोटेंशियलिटी भी होती है। ठीक है, तो उसमें हम उसको मिनिमाइज करते हैं, जितना हम उसको लो लेके आ पाते हैं। हर एक चीज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए खतरा है लेकिन हमारे लिए यूजफुल भी उतना ही है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं जितना कम से कम हो सके। जैसे कवरिंग कर देंगे, ओवरलोड प्रोटेक्शन कर देंगे, बैरिकेटिंग कर देंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं। हैजार्ड का हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, वो मैं आपको एक दिन, दूसरे दिन वीडियो बना के लेके आएगा। आज मैं आपको इतना ही तक करता हूं, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप जाएं, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें,
ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना के लेके आऊं, ताकि आप उस चीज वीडियो से आपको फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।